विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, 11 से 15 मई तक अपने चरम पर होगा कोरोना। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारें लॉकडाउन नाइट या वीकेंड कर्फ्यू जैसे प्रयास कर रही है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अभी तक विशेषज्ञों की अगर माने तो अप्रैल माह के बाद कोरोना केस कम होंगे, लेकिन एक चिंता और सताने लगी है कि 11 से 15 तारीख के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या वर्तमान समय से कई गुना बढ़ सकती है। देश में कोरोना पॉजिटिव के नए मामलों की रफ्तार को देखते हुए गणितज्ञ पद्धति के आधार पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के अनुसार 11 से 15 मई के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 से 35 लाख तक पहुंच सकती है। इसलिए अभी से ये सोच लेना कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जल्दी खत्म हो सकता है, ये सोचना गलत होगा। मई माह की 11 से 15 तारीख के बीच कोरोना चरम पर होगा। इस दौरान कोरोना के नए केस की सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज होगी, लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इसके बाद तेजी से कोरोना केसों में गिरावट आ सकती है। विशेषज्ञों ने दे दी है चेतावनी। इस दौरान सितंबर महीने की तुलना में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से 3 गुना अधिक हो सकती है। इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सक आपूर्ति के संबंध में नीति निर्माताओं को पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। 1 से 5 मई के अंतराल में कोविड संक्रमण के नए मामले हर दिन लगभग 3.3 से 3.5 लाख तक दर्ज हो सकते हैं, जिसके कारण 10 दिन बाद 11 से 15 मई तक बढ़कर ये आंकड़े 33 से 35 लाख होने की संभावनाएं हो सकती है। परवीन अर्शी, राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के लिए नई दिल्ली से।